ओ भाई साहब, सामने कुछ और ही चल रहा है भाई। ये क्या है भाई? बांग्लादेश में उस तरफ इसको कहते हैं जाफलोंग, और हमारा इधर उसको कह रहे हैं भाई डॉकी। ठीक है, डॉकी इसका टूरिस्ट स्पॉट का नाम हो जाता है। और आप ये देख रहे हो भाई, जितने भी लोग आपको इस लाइन से उस तरफ दिख रहे हैं, ये सारे मतलब बांग्लादेश के रहने वाले, वहाँ के निवासी। सो भाई, दिस इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, और यू कैन से एशिया ऑल्सो। हे गाइस, वेलकम टू जेट व्लॉग्स। आज मेरी भारत यात्रा का डे 207, और अभी हम हैं भाई डॉकी से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे। और डॉकी वो जगह है भाई जहाँ पे कहा जाता है कि बांग्लादेश बॉर्डर है, बिल्कुल लाइन है, नदी के बीच में से लाइन निकलती है। नदी के उस तरफ भाई बांग्लादेश है, नदी के इस तरफ जो है इंडिया है। और वहाँ पे ब्रिज भी है, मतलब क्रॉसिंग वगैरह होती है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रक चलते हैं जो कि उस तरफ जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये सब होता है। और डॉकी के बाद हम जाएंगे भाई सीधा द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, जो कि भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सर्टिफाइड है। एंड अभी यहाँ पे भाई हमने कल रात को कैंप किया था, देख सकते हो मेरे पीछे ये पेट्रोल पंप पे। और भी टाइम हो रहा है, वो हो चुके हैं भाई तकरीबन 9:30। चलो निकलते हैं आगे, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। हम तो भाई रेडी हो गए थे काफ़ी टाइम पहले ही, और अभी यहाँ पे भाई जहाँ पे रात को हमने खाना खाया था, वहीं से हमने भाई दोबारा से खाना ऑर्डर कर लिया। मैं खा के चलते हैं भाई दोबारा, फिर दिन में टाइम नहीं लगता। और आज टाइम भी थोड़ा बचा हुआ था, 10 बजे के आसपास का टाइम था जब हम यहाँ पे आ गए थे। अभी जो बज रहे हैं भाई वो तकरीबन बज रहे हैं 11, और चलो भाई ये खाना पीना खा के फिर निकलते थे यहाँ से डॉकी, जो कि है भाई बांग्लादेश बॉर्डर। आज काफ़ी दिनों के बाद भाई हमने जैकेट उतारी थी फाइनली। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी भाई आज तो जैकेट में, तो मैंने कहा अब जैकेट नहीं पहनूंगा, ठूस दी मैंने बैग में, जैसे भी मर्जी घुसा दी बस, तो बैग में पड़ी रही कि मैं नहीं पहनने वाला दोबारा जैकेट। तो भाई आज तो हमें सुबह सुबह जल्दी लिफ्ट मिल गई, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई रात को यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिलती। रात को सब आपको मतलब उल्टा सीधा ही समझते हैं, हर जगह समझते हैं, यहाँ सिर्फ यहाँ पे नहीं। तो एक मिनट हवा आ रही थोड़ी सी, पर अभी सुबह सुबह भाई अभी खड़े ही हुए थे, 5 मिनट में हमें लिफ्ट मिल गई। भैया आपका नाम क्या है? लाम। हाँ लाम, लाम लाम। ओके ओके। फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कह सकते हो, द या लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कह सकते हो भाई। और ये है बांग्लादेश के साथ लगता हुआ एक गांव, गांव कह दो शहर कह लो यार, क्योंकि यहाँ पे भाई 5G आ रहा है। जहाँ मैं पहले रुका था वो अच्छी खासी जगह थी, वहाँ 5G गया, वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, और बिल्कुल बॉर्डर के साथ में 5G आ रहा है भाई। मज़ा आ गया देख के। ये तो ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है भाई, कितनी शांति है, मतलब कोई किसी को अपना आराम आराम से बैठे हैं सब। और क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत कम आता है डॉकी की साइड में, और यहाँ पे भाई एक रिवर पॉइंट है जहाँ पे मेनली टूरिस्ट आते हैं उसको घूमने के लिए, डॉकी रिवर को देखने के लिए। तो उस तरफ हम जा रहे हैं, शायद थोड़ा सा हमें बायवॉक जाना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ चलते हैं। आपको भाई रिवर दिखाते हैं, और यहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर तो 100 रुपये के आसपास की हुई तो बोटिंग भी करेंगे, उससे महंगी हुई तो भाई नहीं करेंगे, आपको सिर्फ दिखाएंगे। यहाँ पहुँच के तो भाई साउथ वाली फीलिंग आने लग गई। मेरे पीछे का हिस्सा देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, बड़े बड़े पेड़, पता नहीं नारियल के, पता नहीं किस चीज़ के, नारियल तो नहीं है कुछ और है, ये बेरी बेरी से लगी हुई है देखो, पर सुंदर लग रहे हैं भाई। और इसी तरफ भैया ने बताया पास में ही है, हम ज़्यादा चले भी नहीं अभी तो, शायद मतलब 100-150 मीटर आगे ही आए थे, और वहीं से भैया ने बता दिया कि यहाँ से भाई आपको मिल जाएगा। थोड़ा नीचे आए हैं, और यहाँ से भैया हमें जाना है आगे की तरफ, वहाँ तक जाना है, और वहाँ भाई मिल जाएगा हमें रिवर पॉइंट। यहाँ भाई मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टूरिज़्म है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। ओ भाई साहब, बहुत बहुत ज़्यादा टूरिज़्म। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सामने कुछ और ही चल रहा है भाई। ये क्या है? एक मिनट दिखाता हूँ, बहुत अच्छा सीन है। इतनी पब्लिक नहीं सोची थी मैंने, ये तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतने लोग, इसमें से बहुत सारे भाई बांग्लादेश की तरफ है। वो सामने का जो हिस्सा आप नॉर्मली देख सकते हो, वो सारा जो है भाई वो बांग्लादेश के अच्छा है। वो जो सारी वो यहाँ पे स्टॉल लगी है ना, वो सारी बांग्लादेश की हैं। आपको मैं बॉर्डर लाइन भी दिखाता हूँ, यहाँ पे मतलब आपको कोई भी फेंसिंग वगैरह नहीं मिलने वाली कि हाँ प्रॉपर फेंसिंग होगी बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे भाई बोटिंग भी हुई है इस तरफ, भाई यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बोटिंग हो रही है, और भाई यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं लोग, वो देखो ट्यूब्स ले लेके। और यहाँ पे भाई वो एक्टिविटी भी है जो बबल के बीच में आपको बिठा के भाई छोड़ देते हैं, पता नहीं भाई यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। प्रॉपर बॉर्डर है भाई ये बांग्लादेश और इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर पे इतनी भीड़ देखो, वो भी खुले आम, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो भाई, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। भाई ये एक्सपीरियंस सबसे अलग है मेरे लिए, इतना गजब एक्सपीरियंस भाई मैंने आज तक नहीं किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भाई मैंने इतनी भीड़ देखी, वो भी खुले आम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई आर्मी भी नहीं है, थोड़ी बहुत आर्मी है बीच बीच में मतलब कंट्रोल करने के लिए कि कहीं इधर उधर हो ना जाए, मतलब सामान इधर उधर ना हो जाए कुछ ना कुछ। अच्छा आपके तो बहुत ज़्यादा है, मेरे तो अभी कम है। अभी हम भाई पहुँच चुके हैं उस लाइन पे भाई, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे होंगे, ये है भाई यहाँ की जो बॉर्डर लाइन। एंड पता भी नहीं चल रहा भाई मेरे को कि यहाँ पे बॉर्डर है, मतलब क्योंकि फेंसिंग वगैरह नहीं है। हाँ भाई अभी यहाँ हमारे पीछे जो ये इन्होंने बताया, अगर कोई क्रॉस कर जा रहा तो उसको गालियाँ बढ़ रही हैं कि भाई क्रॉस मत करो बॉर्डर लाइन को, एंड उस तरफ हम भी नहीं जाएंगे भाई क्योंकि फिर गालियाँ खाने वाले काम नहीं करने। देख लेते हैं हम उधर के लोगों से बात कर रहे हैं भाई, और
इस जगह का नाम है बांग्लादेश में, इसका क्या नाम है? जाफलोंग। भाई बांग्लादेश में उस तरफ इसको कहते हैं जाफलोंग और हमारा इधर उसको कह रहे हैं भाई डॉकी। ठीक है, डॉकी इसका टूरिस्ट स्पॉट का नाम हो जाता है। और आप ये देख रहे हो भाई, जितने भी लोग आपको इस लाइन से उस तरफ दिख रहे हैं ये सारे मतलब बांग्लादेश के रहने वाले वहाँ के निवासी। हेलो 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 हेलो। और जितने भी भाई आपको इस तरफ दिख रहे होंगे सारे इंडियंस, आप क्रॉस नहीं करने दे रहे भाई आर्मी वाले, करने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब अगर थोड़ा इधर उधर हो गया भाई सामान भी इधर उधर हो सकता है इस वजह से। इंडियन नहीं है। अच्छा, सारा बांग्लादेशी है? बांग्लादेश का माल है। तो बांग्लादेश इंडियन है, वो उधर भी बिक्री करेगा हम। अच्छा, इंडियन उधर चलता है, बांग्लादेश बिक्री करेगा, इंडिया बिक्री करेगा, और देखिए हमने इंडिया में बांग्लादेश का बेचता है और बांग्लादेश में इंडिया। और भाई ये भाई है सिगरेट बेच रहा है, मतलब उधर का माल इधर और इधर का माल उधर, मतलब पता ही आपको भाई लोग जो हैं ट्राई करते हैं। हमारा तो भाई ऐसा कुछ सीन है नहीं पीने पीने वाला, पर हमने फिर भी पूछ लिया कि वैसे ही पूछ लेना चाहिए भाई, मज़ा आता है मतलब पूछने में। और मैंने भाई से भाई ये सिक्का लिया, ये सिक्का है भाई बांग्लादेश का, 5 रुपये का भाई सिक्का। देखो यार कलेक्शन करूँगा यार, मेरे को मज़ा आता है ऐसे भाई लेने में। ये देखो पूरा 5 रुपये का सिक्का, ये मेरे पास रहेगा अब हमेशा। यहाँ पर फेंसिंग ना होने की वजह से भाई फौजियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कोई ना कोई नया आता है और वो क्रॉस करने लग जाता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बांग्लादेश का हो, तो ये पत्थरों से पता भी नहीं चलता। एंड उनको बार बार चिल्ला के बोलना पड़ता है भाई उधर रहो इधर रहो, ये बॉर्डर लाइन है, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई फौजियों को यहाँ पे तो यार। एंड भाई यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं मतलब वो वहाँ का सामान यहाँ बेचते हैं और यहाँ का सामान वहाँ बेचते हैं, क्योंकि उनको उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भाई वहाँ की चीज़ ट्राई करने का वो चुल रहती है और वहाँ के लोगों को भाई इंडिया की चीज़ ट्राई करने की चुल रहती है, तो ऐसा होता रहता है। एंड अभी एक बंदा आया था भाई, उसने मेरे को 5 रुपये का सिक्का दिया, वो भी मतलब उसने बोल दिया गिफ्ट ले लो, मेरे को कोई पैसे भी नहीं चाहिए, तो वो देख के भाई और भी ज़्यादा अच्छा लगा, ह्यूमिनिटी भाई मज़ा आ गया मतलब वो देख के। और भाई यहाँ पे मज़ा आ रहा है देख देख के, मैं तो काफ़ी आधा पौना घंटा हो गया देख ही रहा हूँ कि भीड़ में हो क्या रहा है भाई, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ यहाँ के बारे में। एंड वो आपको सब कुछ भाई देखने को मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम पे, जाके फॉलो कर लो जेटी ब्लॉग्स। तो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। अभी बंगाल से कुछ भैया लोग मिले, पूरी फैमिली के साथ आ रखे थे, उससे पहले भाई बांग्लादेशियों से हमने बात करी थोड़ी बहुत, और यहाँ से भाई बहुत लोग मिले जिनको भाई जिन्होंने ये पढ़ लिया भारत यात्रा। एंड फिर उन्होंने पूछा सारा कि भाई कैसे कैसे घूम रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। एंड भाई जिस चीज़ के लिए मैं मेनली यहाँ पे आया था वो तो मैं भूल ही गया था बांग्लादेशियों को देखकर, कि भाई ये है डॉकी रिवर। डॉकी रिवर के पानी को भाई इतना साफ बोला जाता है कि शायद ये वर्ल्ड की सबसे साफ नदी बोला जाता है। एंड जब आप बोटिंग करने जाएंगे तो भाई आपको बीच में मतलब अगर आप सेंटर में भी चले जाएंगे जहाँ गहराई ज़्यादा रहती है भाई, तब भी आपको जो है नीचे का पूरा तल दिखाई देता है, यहाँ पे पत्थर वगैरह और जो मछलियाँ इसमें तैरती हैं भाई। और मैंने सुना है इसमें 5-5 किलो की भाई बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो आपको आराम से तैरती हुई दिख जाएंगी आगे जाके। पर यहाँ पे भाई जो बोटिंग का प्राइस है वो एक बोट का आपको 800 रुपये पड़ेगा भाई, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मेरे को एक बंदे मिले थे यहाँ पे जो कि कह रहे थे भाई हमारे पास एक सीट खाली थी, थोड़ी देर पहले मिलते तो आपको साथ में ले जाते। और मेरे को भाई नदी से ज़्यादा अट्रैक्शन पता किस चीज़ की लगी, ये बॉर्डर साइड की, क्योंकि यहाँ पे जो भाई भीड़ है और इसमें बांग्लादेशी भाई उस तरफ और इस तरफ सारे के सारे इंडियन, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। ना तो मुझे ये भाई गेमिंग अच्छी लग रही है, मतलब ठीक है अपनी जगह भाई, ये हर जगह आपको मिल जाएगी, ये बोटिंग आपको बहुत जगह मिल जाएगी, ठीक है क्लियर वाटर एक इसकी स्पेशलिटी हो जाती है, पर और ये सबसे ज़्यादा स्पेशल भाई आपको कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं मिलेगा जिसके अंदर भाई कोई लाइनिंग ना हो। हाँ मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ थोड़ी बड़ी कंट्री भी है, पर भाई ऐसा एक बॉर्डर जहाँ पे आपको कोई पता भी नहीं चलेगा कि आप उस तरफ चले गए या फिर इस तरफ आ गए, बस आर्मी की गालियों से पता चलता है कि भाई आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए था। सो गाइस काफ़ी टाइम यहाँ पे रुक गए भाई, अभी टाइम जो हो रहा है वो 2 बजने वाला है और हमारा यहाँ भाई निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अभी निकलेंगे तो भाई 40-50 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है जो हमें आगे पहुँचना है। द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, उसका नाम तो मुझे लेना नहीं आ रहा भाई, थोड़ा प्रनाउंस अजीब सा है, मतलब ज़्यादा ही अजीब सा है। तो अभी भाई सुंदर जगह को भाई बाय बाय बोलते हैं। एंड बहुत सारी भाई बढ़िया बढ़िया यहाँ पे पब्लिक मिली, एंड नदी भाई बहुत सुंदर है सही बताऊँ तो। और मेरी जो सबसे भाई पसंदीदा चीज़ यहाँ पे रही वो है कि नो बॉर्डर लाइन, आपको मतलब छोटी सी एक पत्थरों की बॉर्डर लाइन मिलेगी, मतलब बातचीत अच्छे से हो जाती है भाई बांग्लादेशियों से, तो मेरे को तो भाई अच्छे लगे मैं सही बताऊँ। फौजी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब उनको रहना भी चाहिए भाई, क्योंकि नहीं तो फिर कई बार सामान इधर उधर हो जाता है। तो चलो भाई अब इसको बाय बाय बोल के चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। फाइनली भाई दोबारा सड़क पे आ गए और अब हम लिफ्ट लेंगे द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया की तरफ। लेट्स सी कितने टाइम में मिलती है, क्योंकि वो विलेज थोड़ा ज़्यादा अंदर जाके है तो कोई कोई जाता है वहाँ पे। और भाई टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। जहाँ मैं आज जाना है भाई वो सिर्फ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, पर लिफ्ट मिलनी इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि वो एक प्रॉपर गाँव है और वहाँ सिर्फ वही जाएगा जो उस गाँव का रहने वाला है या फिर टूरिस्ट जाएंगे। टूरिस्ट हमें लेके जाने वाले हैं नहीं और उस गाँव का मिलना बहुत मुश्किल है।
सो देखते हैं भाई कि कैसे जाना पड़ता है, क्योंकि 30 किलोमीटर कुछ ज़्यादा तो नहीं है, एक घंटे का रास्ता है पहाड़ों के हिसाब से। हमारे पास अभी भाई 4 घंटे हैं ट्रैवल करने के लिए, 4 घंटे में पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आज तो, क्योंकि वो हिस्सा ही ऐसा है कि वहाँ पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फाइनली भाई थोड़ी सी आगे जाने के लिए हमें लिफ्ट मिल गई है। भैया अभी जा रहे हैं शिलोंग की तरफ, और एक रास्ता है जो थोड़ा आगे जाके मैं जाता हूँ सीधा, शिलोंग भी है पर वहाँ से एक रास्ता है जो उस गाँव की तरफ कट जाता है जहाँ हम जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या वैसे? एन के सिंह। ओके, एन के सिंह भैया का नाम है, और हम जा रहे हैं भाई सीधा मायूलोंग। ये देखो भाई यहाँ फेंसिंग है, थोड़ा सा आगे आ गए हम, और ये बिल्कुल देखो बगल में जो है सड़क जाती है, और ये उस तरफ का जो हिस्सा भाई सारा बांग्लादेश का है। तो भाई एन के सिंह भैया ने हमें दे दी है भाई लिफ्ट, और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो भाई ये जाता है सीधा उसी गांव की तरफ। एंड लेट्स गो, यहाँ से भाई लेंगे अपनी नेक्स्ट लिफ्ट और चलते हैं सीधा माउलोंग। यहाँ से भाई बचता है माउलोंग 8 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है माउलोंग 8 किलोमीटर, और नोंगटेन त्यांग 3 किलोमीटर। मेरे को नाम नहीं आके लेने आते भी, थोड़ी मुश्किल नाम है, और इसी कट पे हम खड़े रहेंगे भाई थोड़ी देर के लिए। अगर तीन चार पाँच किलोमीटर होता तो मैं बाय वॉक चला जाता, बट इतना नहीं है, 8 किलोमीटर है, सो बाय वॉक जाने में शाम हो जाएगी। इससे अच्छा है थोड़ा वेट करता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई भी आएगा तो उसके साथ निकलेंगे, और लेट्स वेट। मिल गई भाई लास्ट लिफ्ट भी, जा रहे हैं सीधा माउलोंग। भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पे द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, एंड भैया ने भाई पैसे वैसे नहीं मांगे, मतलब एक बार मांगे फिर मैंने बोला कि नहीं है, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं चलो छोड़ दो। और भाई देखो ब्यूटीफुल विलेज, अभी एंटर करेंगे, मतलब यहाँ पे भाई रिसेप्शन पे आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप टूरिस्ट हो, और आगे हम चलते हैं भाई आपको और विलेज दिखाते हैं। बाहर से देखने तो अभी तक तो बहुत साफ लग रहा है, अंदर जाके दिखाएंगे भाई, वेल मेंटेन्ड विलेज। सो भाई दिस इज द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, और यू कैन से एशिया ऑल्सो। भाई यहाँ पे देखो भाई कोई आपको गंदगी नहीं दिखेगी यहाँ पे, ये देखो कोई गंदगी नहीं, सब साफ। जो एक आधी चीज़ आपको मिलेगी भी ना भाई, वो सब जब भी जो टूरिस्ट आ जा रहे हैं ना उनका काम है यहाँ पे भाई फैलाने का गंदगी, नहीं तो यहाँ पे भाई पूरा मेंटेन करके रखा गया है। इसी की वजह से भाई यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ चार्ज भी किए जाते हैं, ताकि वो उसको और मेंटेन करके रख सकें और ये गंदा ना हो, क्योंकि भाई सफाई वालों को भी पैसे देने पड़ते हैं, और इससे थोड़ी एम्प्लॉयमेंट भी आती है। पीएम मोदी जी के द्वारा भाई ये जो है पूरा अवार्डेड है, तो उसके बाद का भाई यहाँ पे जो टूरिज्म है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो भी मेघालय में आ रहे हैं, पहले तो कोई आता भी नहीं था यहाँ पे। इसके बिल्कुल 2 किलोमीटर पहले ही लिविंग रूट ब्रिज है, जो कि मेघालय का सबसे फेमस ब्रिज कहा जाता है। मतलब भाई अगर आपने मेघालय सर्च करा होगा कभी भी गूगल पे, तो आपको वो वाली लिविंग रूट की इमेज तो आपको पक्का दिखी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि भाई वहाँ पे कल जाएंगे, क्योंकि एक तो आज हम आपको अच्छे से फिर विलेज दिखाएंगे। अभी भाई भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, यहाँ पे एक होटल है वहाँ से भाई हम खाना खाते हैं, और वेज खाना यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाए बस, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। खाना पीना तो हो गया भाई, पर यहाँ पे थोड़ा महंगा मिला हमें, 150 रुपये की वेज थाली जिसमें सिर्फ 3 रोटी थी, और मतलब क्वालिटी भी मैं बोलूँगा कि भाई 100 में से सिर्फ 40% अच्छी थी। और भाई पर क्या कर सकते हैं, पूरा मोहल्ला ही महंगा है, जहाँ मर्जी आप चले जाओ हर चीज़ यहाँ पे आपको महंगी ही मिलने वाली है। और चलो भाई आपको थोड़ा सा विलेज घुमाते हैं। आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी पार्किंग, जहाँ पे आप अपना पूरा जो है गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हो। इसके बाद जो सामने आप देख सकते हो भाई छोटी मोटी जो है शॉप्स आ जाएंगी, उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे ये पूरा विलेज के अंदर जाते रहोगे। यहाँ तो भाई एक ट्री हाउस भी बना रखा है, देखो बिल्कुल ट्री के ऊपर ऐसे, और जाने का रास्ता भी बिल्कुल आराम से मतलब जा सकते हो, पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई और हम ऐसे एंटर नहीं कर सकते। जो लोग जा रहे हैं भाई वो 20-20 रुपये 30-30 रुपये दे के जा रहे हैं, और अपने पास भाई ये बार जो हमने बाहर उठाया हुआ है, इसकी वजह से हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे, पर हाँ चल सकते हैं। सो आपको दिखा सकते हैं भाई, आपको देखो अभी तक भाई आपको अगर वीडियो में कोई भी गंदगी दिखी हो इस विलेज में, तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ दिखी, और पॉइंट आउट करके मेरे को DM करना। पूरा विलेज तो हमने घूम लिया भाई, ठीक है, और पूरा साफ़ सुथरा भी है, वो भी सर्टिफाइड, मेरी तरफ से भी सर्टिफाइड, गवर्नमेंट ने तो कह ही दिया था पहले ही। और जो हमें डॉकी में फैमिलीज़ मिली थी भाई, वो सेम टू सेम फैमिलीज़ हमें यहाँ भी मिल गई। और आप सोच रहे हो कार्ड किसका है भाई, एक यहाँ पे हमें भैया मिले, अंकल थे वैसे तो, भैया की बोलूँ अंकल थे, वो अहमदाबाद से रहने वाले हैं, गुजरात से, एंड भाई उन्होंने हमें ये कार्ड दे दिया, अगर आप अहमदाबाद हो तो मुझे कॉल करना, आई एम एन एडवोकेट देयर अहमदाबाद में, तो वहाँ जाके भाई हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, मतलब अगर कोई स्टे में दिक्कत आएगी तो।
कार्ड हम रख लेंगे भाई अपने पर्स में, कभी ना कभी काम आ सकता है। अभी भाई हम इसी गांव में रुक गए हैं वैसे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना था और पीछे भाई हमें एक रूम मिल गया जो कि 400-500 रुपए मिल गया हमें। वैसे तो 800-1000 बोल रहे थे भाई उसका। और यहाँ पे अभी तक भाई जो देख सकते हो आप शॉप्स खुली हैं, वैसे तो सारे टूरिस्ट जो हैं चले गए हैं, कुछ टूरिस्ट भाई जो यहाँ पे रुके हैं। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई जो मुझे इस साइड में पूरी साइड में फेस करने को पड़ रही है वो है भाई इंटरनेट। आज यहाँ पे भी इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, बार बार एयरप्लेन मोड ऑन कर रहा हूँ ऑफ कर रहा हूँ तब जाके थोड़ा बहुत चल रहा है, नहीं तो भाई बैंड बजी पड़ी है। आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाने के लिए भाई मैं यहाँ पे दिक्कतें सह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर अभी सब्सक्राइब कर दो, दिक्कतें बता रहा हूँ कि क्या हो रही हैं। पहली बात तो मुझे यहाँ पे भाई रूम नहीं मिल रहा था कुछ भी, और कैंपिंग की यहाँ पे भाई लोकेशन नहीं है विलेज में, और इसीलिए भाई मुझे जो है यहाँ पे रूम लेना पड़ा महंगा, ये सोच के कि चलो व्लॉग अपलोड कर लूँगा। दूसरी दिक्कत भाई यहाँ पे आ रही है, यहाँ इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा, नेटवर्क आ रहे हैं सिर्फ फोन कॉल हो रही है, पर भाई फुल नेटवर्क आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नेटवर्क नहीं आ रहे, फुल नेटवर्क है, ठीक है। LTE आ रहा है, 5G नहीं आ रहा, और मतलब कॉलिंग हो रही है, नेटवर्क जीरो, मतलब इंटरनेट नहीं चल रहा। और भाई यहाँ पे खाना इतना महंगा, मतलब महंगा भी छोड़ो यार, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे पता क्या चल रहा है, चिंदी चोरी जिसको हम कह सकते हैं, कि एक दुकान वाला यहाँ पे भाई 20 रुपये की पानी की बोतल दे रहा है मैंने जाके ली, और दूसरा वाला एक भाई टूरिस्ट था वो दूसरी जगह दुकान पे गया और उन्होंने जाके मांगा कि पानी की बोतल दे दो, तो वहाँ पे भाई वो 30 रुपये भेज रहा। जब टूरिस्ट चले गए तो मैंने उनके सामने तो नहीं बोला क्योंकि बेइज्जती हो जाती है दुकान वाले की, तो मैंने उसके बाद बोला कि भाई ये क्या सीन है कि एक दुकान वाला 20 की दे रहा है तुम 30 की दे रहे हो, तो करे उन्हीं से जाके ले लो भाई, ये कोई सीन होता है। देखो भाई टूरिस्ट अगर आ रहा है ना भाई, ये जो ऐसी जगह होती है ना, ये टूरिस्ट की बदौलत ही चल रही होती है, तो उसको तो भाई लूटो मत। पहली बात लूटना है तो मतलब एक ही प्राइस रखो ना, अलग अलग करके तो फिर भाई तुम पानी की बोतल जो कि पैक्ड आती है, ठीक है, पहली दूसरी, ये तीसरी चौथी दिक्कत हो गई। इसके बाद भाई हमने अभी खाना जो है यहाँ बनाने वाले हैं, मैं इसके लिए भाई मैगी का एक पैकेट मांगने गया था किसी से, मेरे को वो भी नहीं मिला, तो इतना सब कुछ हो रहा है। तो जल्दी जाकर पहले सब्सक्राइब कर दो एंड मैगी बनाते हैं, अब वो दिखाते हैं आपको। मैगी अपनी ऑलमोस्ट तैयार है भाई, काली मिर्च हमने इसमें डाल दिया ऐड ऑन ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। काली मिर्ची भाई हम घर से लेके आए थे, आज तक यूज़ ही नहीं करी थी, 8 महीने हो गए अब कर रहा हूँ। हम भाई यहाँ से 2 रोटी लेके आए थे, ये रोटी आप देख सकते हो कैसी है, ठीक है, और यहाँ पे भाई इस रोटी का प्राइस है 1 रोटी का 20 रुपये, और ये रोटी अपने पंजाब में बोल, पंजाब छोड़ो यार हर जगह, बाकी गुवाहाटी में भी भाई ये 5 रुपये की रोटी मिल जाती है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही महंगाई है, 3-4 गुना महंगा आपको सामान मिलेगा। सोच समझ के आना, पैसे हैं तो भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जगह बहुत सुंदर है ऐसा नहीं बोलूँगा, जगह के बारे में कोई बुराई नहीं भाई, जगह मस्त है, ठीक है, क्लीनेस्ट भी है, उसमें कोई बुराई नहीं, महंगाई थोड़ी ओवर ज़्यादा है। अब लेते हैं भाई अपनी मेहनत की पहली बाइट, ये मैगी अपनी तैयार अभी उसी में है, ठीक है, उसी में से खाएंगे डायरेक्ट मैगी के साथ रोटी। आपने अगर भाई कभी खाई है तो बताना, वैसे तो मेरे हिसाब से ये मैं ही खाता हूँ, बाकी आई डोंट नो। पैसे भर के भाई 100-150 रुपये कम से कम बच गए आज। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया और स्टे हमको मिल चुकी थी जैसा कि आपको पता है भाई, और प्लान में कुछ चेंजेस है वो आपको कल बताएंगे, किसी कंडीशनल चीज़ की वजह से हुए हैं वो चेंजेस। एंड चलिए भाई आज का ये व्लॉग यहीं तक था, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा जल्दी एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।